ये है एक सी एनिमनी और ये कोई प्लांट नहीं बल्कि है एक एनिमल, एक इनवर्टिब्रेट, और कोई नॉर्मल इनवर्टिब्रेट नहीं, एक प्रेडेटरी इनवर्टिब्रेट। सी एनिमनीज बिलोंग करती हैं टू द फाइलम नाइडेरिया, क्लास हेक्साकोरेलिया और ऑर्डर एक्टिनेरिया। इनकी 1000 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं समुद्र में और ये वेरी करती हैं इन शेप एंड साइज। ये नाइडेरियंस हैं और इनकी बॉडी के अंदर होते हैं नेमेटोसिस्ट, जो कि हैं स्टिंगिंग सेल्स, जो कि अपने शिकार के अंदर इंजेक्ट होते हैं और उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं वेनम को। और ये नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं इनके टेंटिकल्स में, जो कि इनके माउथ के आगे पीछे प्रेजेंट हैं। बस एक छोटा सा टच और नेमेटोसिस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने शिकार को इंजेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये टेंटिकल्स उस शिकार को पहुंचाते हैं सी एनिमनी के माउथ में, जहां पर उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया जाता है। मगर क्लाउन फिशेस इन्हीं सी एनिमनीज के अंदर अपना घर बनाती हैं और अपने अंडे भी वहीं देती हैं। तो ये आखिर उस सी एनिमनीज से कैसे बच जाती हैं? क्लाउन फिशेस का नाम तो है क्लाउन फिशेस, मगर ये क्लाउन है नहीं। क्लाउन फिशेस सेक्रेट करती हैं अपनी बॉडी से म्यूकस की एक पतली सी लेयर, जो कि इन्हें इम्यून करती है फ्रॉम द पॉइजन ऑफ सी एनिमनीज। क्लाउन फिशेस सी एनिमनीज के अंदर ही अपना घर बनाती हैं, क्योंकि सी एनिमनीज इन्हें दूसरे प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करती हैं और बदले में क्लाउन फिशेस सी एनिमनीज को क्लीन रखती है फ्रॉम द डेब्रिस। इसके अलावा हर्मिट क्रैब, जो कि शेल्टर लेता है इन द शेल्स ऑफ अदर शेल्ड ऑर्गेनिजम्स, वो सी एनिमनी को अपने शेल के ऊपर कैरी करता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके प्रेडेटर से। ये ऑक्टोपस हर्मिट क्रैब को अपना शिकार बनाना चाहता है, मगर जैसे ही अटैक करता है उसे मिलते हैं खतरनाक स्टिंग्स फ्रॉम द सी एनिमनी। और इस तरीके से सी एनिमनी प्रोटेक्ट करता है हर्मिट क्रैब को और हर्मिट क्रैब उसे ट्रांसपोर्ट करता है टू अदर लोकेशंस, जहां उसे बेटर खाना मिल सकता है। आज की वीडियो का एंड यही होता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला, और शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा।